म इमाम के केनवान से चल रहा था कि इमामत के अवसाफ़ में से एक सिफ़त जो है वो इलम है कल हमने गुफ्तु की थी कि इमाम के अवसाफ़ में से ये है कि तमाम जबानों पर तसलुत रखते होंगे यानी अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो कहे कि मैं इमाम हूँ तो उसके लिए यकीन ज़रूरी है कि हर कबीले हर मुल्क हर करिया हर इलाका हर मनतिका कोई सा भी कोई सी भी जबान हो कोई सा भी इलाक़ा हो उस शख़्स से जिस इलाके का वो शख़्स है उससे इमाम बेहतर उनकी लुगत में गुफ्तु फरमाते होंगे ये इमामत की सिफ़त है आज की गुफ्तु जो है वो इल्म के उनवान से करेंगे कि इमाम के का इल्म कितना होता है यानी इमाम के पास किस कदर इल्म है और किस क़दर इमाम जो है वो अपने इलम के ज़रिए से उनको जानकारी होती है किस कदर वो दुनिया के हालात को मुलाहजा फरमाते हैं किस क़दर इमाम का इलम है अवला तो मैं आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि जो हजरत ख़ुदा है जो मर्जा है जिनकी तरफ़ लोगों ने रजू करना है और वहाँ से लोगों ने दिन को हासिल करना है यकीन अकल का तकाजा ये है कि वो शख़्स जो है मालूम और इलम के से दूसरे लोगों से उनको इम्तियाज़ हासिल होना चाहिए अल्लाह सुबहान ताली ने इर्शाद फरमाया कि कुल शेन अहसिना हो फी इमाम मुबीन हमने हर चीज़ का अहात इमाम मुबीन में कर दिया यकीन इससे वाजे है कि जो हजरत खुदा है चाहे वो पैगम्बरों का दौर है यानी इब्तदाई जो पैगम्बरों का दौर गुजरा उस पैगम्बरों में भी उन पैगम्बरों में भी ज़रूरी था कि जो मर है जो मरक़ है जिसकी तरफ सब लोगों ने जाकर रजू करना है दीन के लिए भी रजू करना है दुनिया के लिए भी रजू करना है तो अक़ल का तकाज़ा यह है अकली दलाइल ये हैक़ल की अक़ल की जिसको कहा जाए कि तकाजा ये है कि वो शख़्स इलमी एतबार से मालूम के एतबार से जानकारी के अतबार से दूसरे लोगों पर फजीलत रखने वाला होना चाहिए होना चाहिए ये ना हो कि कहीं पे जाके लोगों ने सवाल कर दिया तो वो लाजवाब हो गए यानी हत ये जो सुन्नत की किताबों में मौजूद है फरमाया कि लली लमा खल कलमार यानी मुसलमानों के खलीफा का ये जुमला कि अगर अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता ये बड़ा बाहिर तो बड़ी सादा सी बात है लोग इसको जाके शुरू कर देते हैं कि ये बहुत अच्छे ताल्लक थे इस शख्स के अहलबलेसलम के साथ वो अपनी तरफ़ से इस जुमले को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तल्लत बहुत अच्छे थे तो इस वजह से तो कह दिया वगरना दुश्मन के लिए कौन कहता है नहीं जी ये तल्लत की बात नहीं होती ये लम्हे फिक्रिया है कि जिस शख्स को आपने अपना मर्जा बनाया हुआ है उसकी हालत यह है कि ख़ुद से वो जवाब के लायक नहीं है वो जवाब नहीं दे सकते जब जवाब से ही आजज़ है सवाल कर लिया जवाब से आजिज़ है ये शख्स तो वो कैसे आपका मर्जा हो गया आप यहाँ हो सकता है यह मर्जा अहल उनके पास उनका मर्जा मुमकिन है कि बाज उनको जानकारियाँ ना हो हमारे पास मर्जा ये है कि अगर उससे सवाल किया जाए तो वो यही कहे बल्कि सवाल किया पहले सी ही कहते सलूनी सलूनी कबला एन तफ़ी दूनी सवाल करो ऐसे पहले के माया आपके के दरमिया ना रहो ये हमारा मर्जा होता है यही दावा जो है वो हजरत इमाम हसन मुशतबा ने भी कर दिया और यही तमाम तमामातः जो हमारे मर्जे हैं उनका यही दावा होगा कि जो इलमी अतबार से सबसे ज़्यादा कवि होंगे और उनके पास कुरान मजीद में जहाँ आयत है कि रसूल्लाह की शहादत के लिए कहा कि रसूलल्ला ने फरमाया कि बार ये लोग जो है वो मेरे नबूत के लिए गवाह चाहते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरी गवाही के लिए एक तो मैं काफ़ी हूँ और एक वो शख्सियत काफ़ी है, का है।, का है।, का है, है कि वामा आइंदा किताब, जिसके पास किताब का इलम है कुल्ली किताब का इलम है वामा आइंदा किताब, उस शख़्स के पास कुल्ली किताब का इलम है जो कि तफसर में वारद है कि हजरत थे आमिर मोमिनान अली अबिनी तो सलाम थे कि जो इलमिन किताब थे यानी अगर यही तबीर जो कि आसिफ बिन बरख़िया के लिए जब इस्तेमाल हुई सुलेमान ने कहा कि कोई है जो तख्त बिल्स को हाजिर करें तो कुरान में वारद एक जिन उठा उसने कहा कि अगर आप मुझे इतना वक्त दे दें तो मैं जो है वो आ, इस तख़्त बिल्स को आपके लिए हाजिर कर दूँगा तो सुलेमान ने फरमाया कि नहीं टाइम जो है आप ज़्यादा ले रहे हैं तो एक उ, उन जिन्त में से एक ने जो है ये कहा कि अगर आप इजाज़त दे दें दे जो आपने दरबार लगाई है इसको बर्खास्त करोगे तो मैं तख़्त बिल्किस को हाजिर कर दूँ तो सुलेमान ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है यह वक्त ज़्यादा है एक जिन उठा उसने कहा मैं इससे भी ज़्यादा जल्दी कर दूँगा लेकिन सुलेमान न माने आसिफ बिन बरख़िया ने कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो मैं जो है पलक झपकने से पहले जाके तख्त बिल्किस को हाजिर कर दूँ तो वहाँ क़ुरान ने कहा कि किताब किताब के इलम में से हैं यानी मेन मेनल किताब किताब के इलम में से हैं यानी उसके पास पूरी किताब का इलम नहीं है पूरी किताब का इलम नहीं है मान आइंद हु किताब नहीं है बल्कि फरमाया मेनल किताब मिन किताब उसके पास इल्म मिनल किताब है उसके पास किताब के इल्म में से कुछ था कि उसने जाके तख्त बिल्किस को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया और वो शख्सियत हज़रत अमीर की शख्सियत है कि कुरान ने फरमाया कि वो अमन किताब उसके पास पूरी किताब का इल्म है तो अर्ज़ यह है कि जो इमाम होता है कलीबार से भी ये दलील हम कायम कर सकते हैं कि यकीन ऐसा ही होना चाहिए किसी भी शख्स से जो शुरू रखने वाला कोई शख्स हो वो यही कहेगा कि अगर जो जो मर्जा होगा जो लोगों का मर्जा है जिसके ऊपर जिसकी तरफ लोग रजू करते हैं यकीन तक यही है कि वो इलमी एतबार से सब पे फजीलत रखने वाला होना चाहिए ये वो कोई आशा निज़ाम तो नहीं है कि जिसके बाजू में सबसे ज़्यादा ताकत हो तो वो वो बनेगा नहीं जो खुदाई सरदार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए वो ऐसा मर्जा होना चाहिए जिसके पास वो किसी सवाल से किसी किसी सवाल के जवाब से आजज ना हो ये सबसे मुहिम चीज़ है एक इमाम के लिए के जो मर्जा है जो जिसके तरफ लोग रजू करते हैं तो अकलीबार से भी है कि वो उसके पास कुल किताब का इलम होना चाहिए ये ज़रूरी है यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सब्रेक इन शाह प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में भी ईसवीनवान से में इमाम के केनवान से इन शुफगू करेंगे और इन शोग्राम कोदाम देंगे इस वक्त आप इमाम हुसैन आसमाम टी वी करबलाए मुकद्दसा से लाइव मुलाहजा फरमा रहे हैं और हम प्रोग्राम फ़त मतर में हाजर खिदमत है गुफगु का सिलसिला आज हमारा इलम इमाम के केनवान से है कि इमाम का आलम किस तरीके से होना चाहिए कौन सी शख्सियत जिसके पास जैसे हमारा अकदा है कि इमाम के पास वोलूम होने चाहिए कि जिससे वो तमाम के तमाम बशरीत के ऊपर बल्कि जितने हलयक है उनके ऊपर जितने मखलूक़ात हैं उनके ऊपर वो बाफ़ज़ीलत हो और अतबार से ऐसी कोई चीज़ न हो कि जैसे कुरान के लिए जो फरमाया कि ला रतब व्यायाबन अलाफ़ की किताब मुबीन तो इसी दौरान जो है वो वही चीज़ जो कुरान के लिए दकीक जो आयत है जो जो शक्लैन की आयत है कि तेरे लिए दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ एक जो है वो कुरान है एक रसूल अल्लाह की आल है यानी आल रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि सल्हली तो वहाँ पे जो चीज़ है तो दो दूसरी तरफ जैसे कहा लारतब व्या याबसिन किताब मुबीन तमाम के तमाम खुश और तरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका तस्करा किताब कुरान में ना हो यहाँ पर किताब मुबीन से मुराद जो है वह कर्न की भी तफसीर हुई है और इमाम के बाद में जब आ जाए तो फरमाया कि लारतब व्या याबसिन फरमाया कि शेन शैन होफ इमाम मुबीन हमने हर चीज़ का अहात इमाम मुबीन में कर दिया तो ये जो इमाम मुबीन है जिसके दरमियान यानी हर चीज़ का इलम इस इमाम में है हर चीज़ का इलम का अहााता इमाम के वजूद में है जिस चीज़ में जिस जबान में जिस लगत में जिस टॉपिक पे जिस इलम के मुताल चाहे वो इल्म जफ़र हो इम रमल हो इम आ, आ, गरीबा हो आप जो है वो फिज़िक्स है कैमस्ट्री है ख़िदमत में अर्ज करूँ कि वो उलू में रियाजियात है वो उलूम दु, 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 दुनियाविया है उलू में दीनिया है किसी चीज़ के बारे में भी जब आप इमाम से सवाल करेंगे इमाम रुक के भी जवाब नहीं देगा कि सबर कर मैं ऐसा भी इमाम नहीं कहेगा कि ज़रा ठहर जाऊँ ज़रा आपको कुछ देर में नहीं इमाम यह होगा कि वो उसी वक्त आपको जवाब दे देगा उसी वक्त जवाब दे देगा दे दे। बल्कि इमाम इसी भी बाला तर है मैं अर्ज करूं वो ये भी हत्ता जानते हैं कि इस वक्त आप क्या सवा, क्या सवाल करना चाहते हैं आपके दिल में क्या है यानी इमाम वो होगा कि जैसे वो मोहम्मद अली शाहपूरी का वाक्य मोहम्मद 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 आलिया शाहपूरी का वाक्य जब वो निशापुर के कुछ लोगों ने जाके उनको सामान दिए थे और उसमें बीबी शतीता का छोटा सा तोहफा भी था इमाम उसे काजम्स वसलाम के पास है तो उस शख्स ने कह दिया जो दे रहा था उसने कहा अ शेख इमाम की खिदमत में ये चीज़ें दे दे लेकिन इससे पहले ये रुका है इसमें हमने कुछ सवाल लिखे हैं अगर इमाम ने हद तक खोल भी लिया कि हाँ इसमें क्या सवालत है तो वह इमाम नहीं होगा इमाम जो है वो खोलने की उसको ज़रूरत नहीं होगी तो जब वहाँ वो पहुँचे हैं तो इमाम उसे काज सलाम ने फ़रमाया कि तेरे पास एक रुखा भी है और खुम्स का सामान भी है इसमें सब सामान को वापस पलटा दीजिए मुझे नहीं चाहिए फ़कत वो शतीता का जो छोटा गिफ्ट है वो मुझे दे दें बाकी जो सवालत उन्होंने किए थे उसके जवाब आपको मिल गए ये बड़ा हैरान हुआ इसने कहा मैंने तो तस्करा भी नहीं किया कि मैं कुछ लाया हूँ सवालत वगैरह भी मेरे पास है या नहीं है उन्होंने कहा सवाल हमने उधर ही लिख दिए जवाब भी मिल गए उसको आप खोलोगे खोलने की ज़रूरत ही नहीं है जवाब उसके नीचे लिखे हुए हैं ज़रूरत नहीं है ये होता है इमाम इमाम के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप उनसे जाके सवाल करें इमाम आपके आपके दिल को भी जानता है कि आपके दिल में क्या है तेरे दिल में क्या है चूंकि अक्सर रवायात में मिलता है कि बाजार से हज़ारते जो सवाल करना चाहते थे इमाम ने फरमाया तू सवाल करता है या मैं बताऊं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं यह होता है इलम इमाम इमाम केलूम में इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए दुनिया ने पता नहीं कैसे इमाम बना लिए दुनिया ने पता नहीं कैसे इमाम बना लिए इमाम इमाम की आज़मत इमाम की इमाम का इलम इमाम की इमाम का मकाम मकाम इमामत ये एक और चीज़ है लोगों ने जिसको कहा जाए या बौज में सही या जहालत से अपने लिए ख़ुद से अपने इमाम ढूंढना शुरू कर दिए जाहिर सी बात है कि जब आप ख़ुद से इमाम ढूंढना शुरू कर दोगे तो ये हालात बनेंगे ये हालात तो होने हैं इमाम किसी की तइद का मोहताज नहीं होता सकीफ़ा ने अगर हज़रत आमिर अलमोमिन को झुठला दिया इमाम इमाम इमामत से नहीं गिरता इमाम इमाम है इमाम इमाम है वो रहेगा चाहे कोई माने या न माने खुजत खुदा है उसकी जो है वो अपनी इमामत जो है उसकी कायम है उलूम इमाम में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी के पास कोई भी मसला हो उसने उसका जवाब जवाब ढूंढने की कोशिश की इमाम से मुराजा किया इमाम जवाब दे देंगे चाहे किसी किस्म का भी किसी किस्म का भी सवाल हो चाहे वह में गैब का सवाल हो या ज़ाहरी इसतदलाली सवाल हो हदीसी सवाल हो नकली हो होली हो इमाम जो है वो ये यही हालात है कि मामून और रशीद के दौर में मसलन मामून ने इन लोगों ने जो एक काम किया था बड़ा अजीब व गरीब ख़ुद हारून व रशीद हारून और रशीद जो कि मामून का भी बाप था तो ये शख्स जो है ला तो लाल है, इसने सबसे पहले ये कोशिश की चूंकि फ़लसफे और दीगर जो यूनानी लूम हैं उनको लोगों में राइज करें यूनानी ूम को जाके राइज करें और के केलूम को ये जो है कोशिश कर रहा था दबा दें चूंकि पूरे आलम के लिए पूरी दुनिया के लिए बात वाज थी कि एलम अगर है तो वो अली और अवलाद आली में से एलम है बाकी उलूम वुलूम कुछ भी नहीं है एलम का कि कोई खरीदार है तो वो अली और अवलाद अली में से सला मजमाइन उनमें एलम को जाके ढूंढेगा बाकी जगहों परलम नहीं है पूरी दुनिया के लिए बात थी ये हारून ना रशीद ये क्या करना चाह रहा था ये कोशिश कर रहा था अहले बैत के मुकाबले में जाके इसने कोशिश की ऐसे कौन सी कौन सी कौम है कि जिनके पास उलूम ज़्यादा है और वो आलम है लोगों ने कहा यूनान के तबीब जो है यूनान के दानश्वर जो है यूनान के ख़मत में अर्ज़ करूँ कि यूनान के, के हकामा जो है वो ज़्यादा यूनानी हकीम जो है वो ज़्यादा मारूफ है ूम में तो उसने कहा हाँ हम उनकी किताबें खरीदेंगे किताब लेके आए जितनी बड़ी किताब होती थी उसी किताब के बराबर वो सोना दिया करते थे तोल लेते थे तोल के कितना हो गया मस किलो की किताब है उसको दो किलो सोना दे दो यूनानी किताबें खरीद के वोलूम जिनका मुसलमानों से कोई तालुक़ ही नहीं था वह ूम उन्होंने हारून ना रशीद ने वोलूम जो है वो जाके मुसलमानों के ऊपर मुसलत करना चाहे लेकिन नहीं कर सका इमाम मामूस कासम साम के मुकाबले में यूनानी हकीम क्या थे क्या बसात थी यूनानी हकीमों की मामूस कासिम नफ़िया बाबुल हवाइज उसके सामने इनकी क्या ज़ुर्रत क्या बसात क्या औकात थी लेकिन इसने अपनी कोशिश की हा ये जब वासिल जहनम हुआ तो मामून व मामून जो है ला तो ये आया इसने भी वही मुनाफे खतें शुरू कर दी इसने क्या किया इसने तरीक़ा चेंज कर दिया इसने कहा इस ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है यह अहिल जो है इनके सामने ये, ये चीज़ें नहीं चलेगी इसने कहा ऐसा करता हूँ कि ये बड़े बड़े लमा जो है उनको ख़ुद हाजिर करके हज़रत शाह खुरासान इमाम रज़ा अल सलाम के साथ जाके मुनाजर कराऊँ इसकी एक तरफ़ सुल्तान खुरासान हैज़रत अलीअबन मुसर्रदा सलात वसलाम उलूम आ महम्मद का वारिस है इमाम बार हक है मकाम इमामत उसका शम्स व शमूस उनके सामने जाके इसने क्या कर दिया दूसरे लामा को यहूदी लामा को और ईसाई लामा को हत हिंदू को दूसरे अदियान और अहल तसन्ना को लेके आ गए कि हम जो है इनसे आप मनाजरा करें कोई ऐसा सवाल करें कि हज़रत जो है वह जवाब ना दस के नवूज नजालिक जहालत की इंतहा लोगों को लाते रहे मनाजिर मौजूद हैं, हैं इमाम। एक बायदा किताब भी लिखी जा चुकी है कि जिसमें हज़रत इमाम रजाल सलाम के मनाजरे मौजूद हैं कोई किसी भी तरीके का सवाल करे हज़रत रजा सलाम उसका उन्हीं तरीके से जाके जवाब दे रहे हैं ये इसका जवाब है ये इसका जवाब है, है। उन्हीं के अपनी कुतुब से कोई न कर सका यही वजह है कि वो हज़रत इमाम रजाल सलाम का एक लकब आलम ओलूम आल मोहम्मद आल सलासलम है तो ये वो सिलसिला है अब दीगर के दौर में भी ऐसा ही है किसी भी इमाम की आप वो हिस्ट्री को खोलेंगे तो वहाँ आपको यही मिलेगा कि इमाम जो है वो इमाम था दूसरे जितने भी लोग थे तो हकीम थे दानश्वर थे दूसरे और जो लोग इनके सामने आ गए वो ख़ारो जलील उ शर्मिंदा हो गए उनका कुछ नहीं रहा जो इनके सामने आ गए ऐसे जलील हो गए ऐसे ख़ार हो गए आज भी जलील ख़ार इनके सामने जो है इनके सामने ज़रूरत ही किसी के नहीं है एलम को ढूँढना है जैसे रसूल ने फ़रमाया तानदीन एलम के लिए जो शख्स आएगा वो यही है कि या याली और याद या अली सल्ला मजमाइन येलम है औलाद अली व फातिमा में से जो है वो लूम जाके कोई ढूंढना चाहे तो वो एलम मिलेगा हिदायत मिलेगी नूर मिलेगा इसके इनके अलावा जो चीज़ दूसरे दरों पर जाना शुरू कर दे वो फिर वही जहालत के औौज में जाएंगे फिर जाके पता नहीं उनका क्या होगा क्या किस हद तक पहुंचेगे एलम नूर है और वो नूर जो है उन्होंने अल्लाह ने यह नूर अली और औलाद अली में जाके मखवी किया हुआ है किसी ने जाके इलम को हासिल करना है तो सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम ऐसे अस सलमान मोहम्मदी नहीं बने लिखते हैं हर शब ये इनका इनकी गुफ्तु हजरत अमीर के साथ रही कई साल तक ये सिलसिला रहा रसूल अल्लाह के साथ रहे हजरत अमीर के साथ तो सलमान अगर ईमान के दसवें दर्जे पर पहुंचा अपने इलम की बरकत से पहुंचा है इलम है तो आप जाके तखवा इख्तियार करोगे वरना बिदून इलम आप क्या कर सकते हैं क्या क्या बेसात है इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं है इलम के आपके पास इलम नहीं है इबादत है, कर रहे हो उसी शख्स की तरह जो कह रहे या सनम हो या सनम हो माना का पता नहीं है सनम किस को कहते हैं जाके बग़ैरम के जाके उसने शुरू कर दिया तोम जो है उसके अलावा इबादत का कभी फ़ायदा नहीं है जो असाब जलीलोल कदर असहाब है वो खुद भी साहेब तवज्जो थे उन्होंने हक़ को पहचाना लेकिन फिर भी उन्होंने जाके मोहम्मद वाल मोहम्मद अलसलम की दरगाह पे उनके दर पे जाके जो अपना माता टेक दिया तो उनको एलम मिल गया एलम का ये सिलसिला है अहले बैत के अलावा बेशक आप हारून की तरह जाके किताबों के अंबार लगा दो लोगों को सोना चाँदी देते रहो वो फ़ायदा नहीं है उसका वो इलम होगा लेकिन वो इलम जो वो इन इनूम के हाँ इन अहिल केलूम के के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है तो ये एक सिलसिला रहा और आज भी बाज बाज़ल जो है वो जैसे राइज है तो उसकी जो है जैसे ने मुखालफ की तो यही वाक़ात को वो सामने ला कर ला के रखते हैं कि मसलन एक फ़लसफा जो बसाओकात बहस होती है तो फलसफे पर यही है कि ये लाने वाले जो थे वो ये एक गैर गैर दीनी है और अहलबैत का इलम नहीं है ये यूनानियों का इलम है फलसफा जो कि अफलातून अरस्तुस्सकरात इन लोगों ने इनमें बड़ा काम किया था फिर बाद में भी आए बहर अपने दलाइल पेश करते हैं दोनों तरफ से लेकिन यह है कि अगर इल्म कलाम क्या सातीत ये दलील पेश करते हैं तो उसकी वजह यह है वो कहते हैं कि ये जो है वो यूनानी इलम है हमें जो है वो वह मोहम्मद का इलम चाहिए सवातुल्लाजमाइन हमें यूनानी इलम से कोई वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए तो बहरहाल वो अपनी जगह पर बहस लेकिन यह है कि ख़ुद इमामत का जो मनशा है वो ये है कि आलम होगा अफजल होगा तमाम दुनिया से तमाम बशरीत से कोई उसके इलमी एतबार से कोई टक्कर में नहीं होगा ये अवसाफ़ इमामत में से है कि वो म के ऊपर एलम में बल्कि जो उनके साथ होंगे वो भी दूसरे लोगों से मुमताज़ हो जाएंगे ये है और जो इनके सामने आए और लोगों ने दावे किए कि है कि जैसे मरूफ है सिफ इबन जोज़े के लिए तो सिफ इब्न जोजे ने एक दफ़ा सवाल कर दिया कि बड़ा अजीब सवाल किया सिफ इबन जोज़े ने एक अजीब से दावा कर दिया और मम्बर पर बैठा हुआ था और इसने जो जाके कह दिया सलूनी सलूनी कबलान तफ़ की दूनी सिर्फ सिर्फ तुमने जोज़े ने कहा बहुत मशहूर शख्सियत है आ, मज़ब तसन्न में तो इसने दावा कर दिया वहाँ पर लोगों ने कहा भई आप तो ये लोगों ने ताजुब कर दिया कि ये शख्स कहीं पगला तो नहीं गए क्या क्या हुआ इसको अचानक इस किस्म के बड़े दावे कर दिए एक शख्स वहाँ बैठा था उसने कहा हुज़ूर ये दावे तो अली और औलाद अली क्या करते हैं ये दावे बड़े मुश्किल हैं उसने कहा हमने कर दिया बस उन्होंने कहा ठीक है कर दिया तो फिर एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा वो ये है कि शहरी मसला आपसे पूछता हूँ उसने कहा बता दें उसने कहा बगैर शौहर के अगर कोई ख़ातून घर से निकले तो उसका क्या हुक्म है तो सिर्फ अपने जोज़े ने कहा कि उसका हुक्म यह है कि उसके ऊपर हुक्म तो उसका जो आज़ाब है उसका वो ये है कि मलाय का जो है उनके ऊपर लांते करते करेंगे मलाय का लानते करेंगे और तो उसने कहा मलाय का आ, जो लांते करेंगे तो फिर आयशा का क्या हुक्म है आयशा रसूल के हुक्म के बगैर निकली थी हुक्म के बगैर निकल हालांकि रसूल जो है वो हमारे अमाल पर शाहिद है और रसूल मरा भी नहीं है नबूजबिल्ला तो क्यों उसकी वजह क्या है कि वो बग़ैर हुक्म शोहर के हुक्म के बग़ैर बाहर निकली तो सिर्फ ने मैंने जो है परेशान हो गया इसी तरह मज़ीद भी तो उसने किए और उसमें उसको समझ नहीं आए उस सवाल के सही जवाब नहीं देने लगे आखिर में गुस्सा भी हो गए कि बहरल ये हालात जो है वो यही है कि जो जिन्होंने भी ये दावे किए वो यकीन ख़ार हो गए जलील हो गए तो बहुत सारे ऐसे तारीख़ में वाक़ है कि इसका मिलता है कि लोगों ने जो है वो दावे किए और दावों में फिर जो है वो शर्मिंदा ही हो गए तो ये शर्मिंदगी वजह उसकी है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी बेसात नहीं दी है कि वो सब चीज़ों का इलम उसको हासिल हो जाए माँ सेवाए यह खासानला इलाही जो अहल बैत है इनके पास इन चीज़ों का इलम जो है वो होता है तो ये सब चीज़ें हमें दिक्कत में हमारी होनी चाहिए कि आ, इमाम का जो इल्मी मैार है वो तमाम लोगों से ऊपर दर्जे का इल्मी मैार होगा और इमाम जो है वो तमाम के तमाम इंसानों पर आ, जो भी उनको इल्मी मसाइल पेश आएँगे इमाम उनका जवाब आ, जवाब दे होगा जवाब इमाम देंगे तो ये एक आ, ऐसी सिफ़त है कि खुद आ, इसका जो है ये अकली एतबार से भी साबित है और नकली एतबार से भी साबित है उसकी वजह यह है कि देखें ख़ुद जब हम जानशीन की बहस करते हैं तो अल्लाह के बारह जानशी की बात होती है अकली एतबार से यह दलील भी हम कायम कर सकते हैं कि खुद अल्लाह चूँकि तमाम मलूम के ऊपर अल्लाह की तरफ से मुसलत थे तो उसमें यह है कि अगर रसोल्ला का कोई वारिस होगा तो यकीन वारिस भी वारिस की भी वारसीियत का तकाजा भी यही है कि आ, उसके पास भी वो चीज़ें मौजूद हो वारिस देखें एक तो यह है कि औलाद के अतबार से वारिस हो नहीं ये ये वारसीियत फ़र्क करती है रसूल्ला की सीट पर बैठने वाला यह है वरासत यानी यह नहीं है कि अब वो दूसरे वरासत में आ जाए खेती है और बागात है और माल है और जायदाद है नहीं उसके लिए तो हो सकता है नाहल भी वारिस बन जाए लेकिन असल ये है कि जो आपके रसूलुल्लाह की नबूवत का वारिस जो रसूलुल्लाह की जिस जगह पर रसूलुल्लाह का मेम्बर है रसूलुल्लाह की मसंद है उसके ऊपर जो शख़्स बैठने वाला होना चाहिए तो उसमें अतबार एल्म, से रसूल्लाह के जानशीन होना चाहिए चाहिए और रसूल्लाह के हर चीज़ में शक जानशीन होना चाहिए यानी ऐसा हो कि ये जब रसूल्लाह के मसनत पर बैठा है लोग जो रसूल्लाह के वजह से वहाँ पर आके सवाल करें तो उसका जवाब दे होना चाहिए जवाब जो है वो दे सकता हो किसी सवाल में उसको कोई रुकावट ना हो तो ये अगर हम आ, खुद देखें तो खुदा सलाम से ज़्यादा मस्तक इसमें कोई नहीं है कि सबसे ज़्यादा इलम रखने वाले बेशक हज़रत अमीर थे और अक़ल का तकाजा भी ये है कि जो वहाँ पर बैठने वाली शख्सियत है वो शख्सियत इलमी एबार से रसूलुल्लाह के हम पला हो रसूलुल्लाह के बराबर हो और इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ुद अगर हम हदीसे जो नूर की अदीस है वहाँ मुलाहज़ा करें तो वहाँ यही मिलेगा कि नूर के नूर के दो टुकड़े हो गए और एक जो है नूर मुहमदी हुआ और एक नूर आलवी हुआ यानी हम पला थे एक नूर के दो टुकड़े हो गए एक अली और एक मोहम्मद तो यहाँ पर जो है वो नबूत का उहदा महमद सली ही के सपोर्ट किया गया और विलायत का हिस्सा जो है वो हज़रत अमीर, अमीर सलाम के तो ये चूँकि हम पला है हम पला है तो हम पला का हिसाब किताब यही है कि इलमी एतबार से इलमी अतबार से बिल्कुल एक मसावी है तो जानशीन वही बनेगा जो इलमी अतबार से रसूल्लाह का हम पला हो रसूल्लाह का आलम उसके पास हो अबतः मुतवा हदीस में अमीर सलाम के आ, से ये मिलता है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूल्लाह से सुना तो रसूल्लाह से सुना का मतलब यह है कि मैं रसोल्ला का नायब हूँ रसूल्लाह की नियाबत कर रहा हूँ गोया इस जुमले में एक रास् छुपा हुआ है वो ये है कि बाज़ लोग हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनियावी अतबार से इसको वो कर देते हैं यानी अमीर सलाम को पूरा इलम तालीम करने वाले रसूल्ला थे बेशक यह है लेकिन जहाँ हम दूसरे अहदी इसके किनार में देखें तो वो यह है कि ज़ाहरी तो रसूल्ला उस्ताद है हम तरत अमीर अमौमिनी सलाम का लेकिन बातना वो ये है कि ये दोनों नूर के हिस्से हैं एक अली है और एक मोहम्मद है तो ये हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और फिर दीगर हादीत जो कि फ़ारक़ैन की किताबों में लिखी हैं मैं और अली एक ही दरख्त से हैं दूसरे लोग जो है वो मुख्तलिफ़ दरख्तों से हैं अना वली उनम नूरन वाहिद जो मशहूर हदीस है मैं और अली एक नूर से हैं तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि मकाम मुस्तफ़ी और मक़ाम जो है वो एक मक़ाम है तो यहाँ जो सिलसिला है ख़ुद विलायत और नबूत का तो नायब वही बनेगा जो रसूल अल्लाह के बराबर इलम रखता होगा नयाबत वही होगी चूंकि लोगों ने फिर रजू करना है ना बात तो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई अब लोगों ने जो रजू करना है उसके सीट पर बैठने वाला शख्स कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि लली लाखलमार अगर अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए अक़ल के अतबार से ये यकीनन जो है वो अजीब होंगे और ये लोग जो है वो हंसेंगे इनके ऊपर कि ये किस किस्म का शख्स है जो रसूलुल्लाह की जगह पर तो बैठ गया लेकिन रसूलुल्लाह के मुताबिक हुक्म नहीं दे सकता इलम कम है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा इमामत के इलम के बारे में मुह क होना चाहिए और यही वजह है कि जहाँ इमाम जमाना जमान जल्ला शरीफ़ ने अपने एक मुलाकात में जो फरमाया कि हमारे शीयों के अहवाल हमारे ऊपर आश्कार है हम शीयों के अमाल देखते हैं शीयों के सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए वाज हैं अश्कार है हम हाल अहवाल से भी कभी पता है और हम जो है वो तमाम लोगों के हर किस्म की जो जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम उनसे वाकिफ़ हैं तो ये सब चीज़ें वो है कि खुद अगर गबत इमाम को इस माने में हम लेके ले इमाम हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं है तो ये गलती है बाज़ रवायात में मिलता है कि हर शख्स जो है उसका परवंदा इमाम के सामने पेश किया जाता है रोज़ाना पेश किया जाता है बाद में यह है कि हत्या महीने में बाज़ का ये कहना कि साल में शब क़दर को लेकिन असल ये है कि ख़ुद हम इमाम के अगर ना भी हो तो मुस्तकीमन चूंकि मोमिन हमारे आमाल के ऊपर शाहिद है शाहिद उसको होता है देखने वाले होते हैं यानी अगर परवंदे का हम इस तरीके से माना लेके ये तो कागज़ कागज़ पेश किया जाता है उनके सामने तो ये वो नहीं है बल्कि असल ये है कि इमाम हमारे तमाम के तमाम हालात को मुशाहिदा कर रहे हैं कुरान की है कि आपके अमाल के ऊपर कौन शाहिद है अल्लाह शाहिद है रसूल शाहिद है, और ममिनी मोमिन कौन है या इमार्सलम है और इसमें आज के दौर में हज़रत इमाम ज़माना अजल तरज व शरीफ जो कि हमारे तमाम अमाल के ऊपर शाहिद है वो अपने इल्म इमामत से इन चीज़ों पर उनको तसलुत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं इमाम उससे वाकिफ है तो ग़ैबत का ये माना मानकती तौर पर सही नहीं है कि अगर कोई शख्स कहे कि आ, जब तक ऊहूर नहीं है तो हम जो है वो हमारे अमाल को नहीं देख पा रहे नहीं इमाम जो है वो हमारे हर चीज़ के ऊपर उनको हमारे हालात का भी पता है कि हम गरीब है हम अमीर है क्या कुछ कर रहे हैं क्या हमारे अमाल है किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं क्या कर रहे हैं अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं तो यकीन इमाम जो है वो खुश होते हैं अगर अमाल ख़राब है तो इमाम को तकलीफ़ होती है तो ये वो मकाम है कि जहाँ हम इस चीज़ पर आ, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आ, जब इमाम हमारे सब चीज़ों से वाकिफ है तो क्यों हम फिर ऐसा न करें हत वो जो वाक़ है हज़रत इमाम रज़ाल सलातम का कि एक इमाम सफ़र फरमा रहे थे निशापूर के नज़दीक एक जनाज़ा जनाजाया और जनाजा गुजर रहा था तो इमाम अपने सवारी से नीचे आया और कब्र जो जहाँ उसको रखा था वहाँ पर जाके इमाम ने उस मैत का बोसा लेके बहरा आए तो शख़्स ने पूछा कि इमाम रजा आलातलाम ये शख़्स जो है ये निशापुर का रहने वाला है क्या आप इसको जानते हैं तो इमाम ने फरमाया कि आप क्या समझ रहे हैं इमाम होता कौन है इमाम को अपने मोमिनों का सब जो भी मोमिन हैं जो शिया है उनके सब चीज़ों का पता होता है वो चाहे कहाँ भी हो शर के आलम में हो गरब आलम में हो जहाँ कहीं भी हो इमाम जो है वह वो वो ऐसी शख्सियत है कि जिनको तमाम ममिनिन का पता है वो देखता है बाकायदा देखता है और उसके सामने तमाम अहवाल ज़ाहिर होते हैं इमाम इमाम जो है जहाँ इलम की बात हो जाए तो इमाम को नींद नहीं आतीम का यह तकाजा है देखें इंसान के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तु मैं ये करूँ कि किस चीज़ से इंसान का इलम झ़ायल हो जाता है इमाम चंद चीज़ों से इंसान का इलम झ़ायल हो जाता है एक तो यह है कि इंसान जो है वो नसीान का शिकार हो जाए नसीान का शिकार हो जाए और हदीस में भी वारत है कि हर चीज़ के लिए आफत है और एलम के लिए आफात है और उसमें से एक निसीान है नसीान जो है वह एलम का दुश्मन है इंसान भूल जाता है बात चीज़ें याद होती है भूल जाता है इंसान इमाम यह है कि वो नसीान का शिकार नहीं होगा माँ साहिब को व माँ गवा व मायत को अनिल हवा वाह फरमाया कि तेरा साहिब जो है वो कभी गुमराह नहीं होता है रसूल अल्लाह कभी गुमराह नहीं होता वो भूलता नहीं है माँ साहिब को व माँ गवा तेरा साहिब जो है वो कभी भूलता नहीं है कभी गाह नहीं होता इमाम भी जैसे अल्लाह है उसी तरह इमाम भी है इमाम कभी कोई चीज़ भूलता नहीं है कभी कोई चीज़ नहीं भूलता यही वाक़ा जो है बड़ा अजीब है जल्दी से इसके आपकी खिदमत में पेश करूँ फिर दूसरे मताले को आपकी खिदमत में इराया करूँ उसमें यह है कि एक शख्स जो कि एक जगह पर एक मकाम पर रसूल्ला ने फरमाया था कि मेरे बाद जानशी जो है वह हज़रत अमीर, अमीर अलोमिनलम है अबू बकर और उमर ने इस चीज़ का बाद बादज़ रसूल अल्लाह इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि कोई नस मौजूद नहीं है गदीर को भूला दिए तो इमाम अमीर अल अमौमिन से फरमाया अमीर अल अमौमिन से कहा कि आप अपने लिए कोई शाहिद कोई गवाह लेके आओ तो लोग डरते थे इन लोगों से तो वो एक शख्स वहाँ बैठा हुआ था तो अमीर अल अमौमिनी ने कहा कि वो फ़लाँ मकाम पर रसूल अल्लाह ने क्या नहीं फरमाया था कि मेरे बाद आ, मेरा अमीर अल जानशी अमीरमिन है तो ये शख्स जो है इसको पता था याद भी था लेकिन ये डर गया इसने कहा कि अमीर आमिरलमिन से कहा मेरा हाफजा कमज़ोर हो चुका है याद नहीं है तो अमीर अमीरमिन ने फरमाया कि अगर तू भूल गया है तो अल्लाह तुझे बख्श दे लेकिन अगर तू नहीं भूला जानबूझ के करे खुदा तुझे बर्स की बीमारी में मुबला करें कई सालों के बाद जब यह मदीना में किसी एक जगह पर यह हदीस का बहुत बड़ा उस्ताज था यह शख्स जिसको अमीर अमौमिन की बदुआ लगी थी ये हदीस पढ़ा रहा था बर्स की बीमारी इसको हो गई थी तो एक दफ़ा इसने जाके ये कह दिया कि अली का बर्स की बीमारी जो है वो अहिल बैत के दुश्मनी से इंसान के ऊपर लागू होती है और इंसान जो अल्लाह जो 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 अहल बैत का दुश्मन होगा उसके वो बर्स में मुबतला होगा तो लोग जो है वो बड़े वो जो शागिरद थे उसको बड़े हैरान हो गए उसने कहा ऐसी वजह क्या थी कि आपको बर्स में मुबला हो आप तो इतने माशा बैत के चाहने वाले हैं हदी से बयान करते हैं तो उसने कहा उसने यह वाक्य बयान, बयान कर दिया ठंडी सांस लेके यह वाक्य बयान कर दिया कि मेरे जहन में है मेरे ऊपर काश मौत आ जाती मैं झूठ ना बोलता कि मैं भूल गया हूँ अमीर अमौमिनी सलाम ने कहा तू बर्स में मुबला हो अगर झूठ बोल रहा है तो तो मैं बर्स की बीमारी में मुबतला हुआ दुश्मनी हो गई तो अर्ज़ यह है कि आमिर अमौमी सला सलाम और जो उलूम है उलूम में निस्यान निस्यान जो है वो इमाम के ऊपर तारी नहीं होता इमाम कभी निस्यान नहीं लेता दूसरी एलम की ज़िद चीज़ है वो है ख्वाब इंसान जब सो जाता है फिर क्या एलम और क्या इंसान की क्या जानकारियाँ गाफिल हो जाता है गफलत में चला जाता है इमाम कौन होता है इमाम वो होता है कि जो ख्वाब में भी तेरी तरह ख्वाब उसकी नहीं है जो गाफिल हो जाए आंख के बंद होगी पूरे जहान का मुशाह कर रहा होगा इमाम की ये चीज़ है इमाम जो है वो ख़्वाब और नींद की हालत गनूदगी की हालत तो उसके ऊपर तारी नहीं होती और अगली जो चीज़ है वो है बेहोशी इंसान के ऊपर बेहोशी आ जाए उसका इलम ख़त्म हो जाता है बेहोशी आ जाए गिर गया ख़त्म एलम जब जब तक होश में आया नहीं आएगा सब कुछ निकल गया है अब ये शख्स जो है या आम शख्स तो ऐसा हो सकता है इमाम के ऊपर हता गनूदगी जो है आ भी जाए वो गाफिल नहीं होता गफलत इमाम के लिए नहीं है जो भी अकीदा रखेगा गलत हो जाएगा ज्यादिक कर लेगा शिया मज़ब के एक बहुत बड़े आलिम ने यह एक चीज़ लिखी थी जिसकी बहुत मजम्मत हुई उन्होंने ये कहा था कि रसूलुल्लाह जो है वो कभी कभार निस्यान का शिकार हो जाता बिल्ला पता नहीं ये क्या हो गया उनसे ये चीज़ मंसूब हो गई उसने कही थी या नहीं कही थी लेकिन अल्लाह उसकी मफफ़रत फरमाए कभी नहीं हो सकता शेह लिखे फिर भी गलत है कोई सुनी आलम लिखे फिर भी गलत है कोई भी लिखे रसूल्ला नसीान का शिकार नहीं होते और जो ये कहते हैं गलत करते हैं और हमारे पास तो इन चीज़ों में यह है कि मासूम इसमत का तकाजा ही यही है कि वो कभी भूलता नहीं है मासूम उसको नहीं कहते मासूम बच्चा भी होता है बच्चे को बच्चे की मासूमियत और ये जो आयम यादार की मासूमियत है इसमें क्या फ़र्क है फ़र्क यही है कि बच्चा जो मासूम है वो खता का शिकार हो सकता है बच्चा जो है गलती का शिकार हो सकता है बच्चा निस्यान का शिकार हो सकता है बच्चा सोता है बच्ची को बच्चे को गलूदगी हो सकती है बच्चे को बेहोशी हो सकती है इमाम की मासूमियत यह है कि वो कभी किसी चीज़ में गलती नहीं करता ये चीज़ उनके ऊपर आती ही नहीं है गलूदगी नहीं आ सकती एमाम no बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अगर इमाम शहीद भी हो जाए उनका सर मुबारक भी तन से जुदा हो जाए फिर भी आपको कुरान की आयत जो है पढ़ते हुए देखेगा इन अन्ना साबल कफ़फ़फ़फ़फ़ और रकीीम में आयात ना जबा अल्लाह अकबर यानी खुद शहीद शहदा आल सलासम की सर अकदस से उसका सर अकदस भी वो भी कभी नहीं भूलता वो भी आयत कुरान, इन अन्ना साबल कफ़फ़ और रकीम कानूम कानुमिन कानु आयात ना आजबा वो आ, इमाम जो है वो उसकी ये है इमाम की ये है ये ये इमाम होता है अगर शहीद भी हो जाए शहादत भी वाक्य हो जाए इमाम फिर भी इमाम रहेगा फिर भी मौत उसके एलम को जायल नहीं कर सकता मौत भी यानी ये या मौत जो जहरी मौत है वैसे तो इमाम को कहना मौत हो इमाम मसल फौत है तो ये तो गलत चीज है इमाम बल्कि हमारा तो अकीदा या हमारे एहत्यादात की किताबों में ये लिखी हुई चीज़ें हैं कि इमाम जब अपने जरिए में होगा जो जरिए जो उसब्र मुकदस है वो अपने कब्र में उसकी उसका वजूद जो जहर वजूद है वही जिंदा होगा वही जिंदा होगा हम क्या नहीं पढ़ते यह हम नहीं पढ़ते वैरुद्दून सलामी जब हम जाते हैं मखसूस इज्न दखूल में वैरदून सलामी हम सलाम करते हैं आप जवाब हमें देते हैं वो तो हमारी बेसात नहीं है कि हम आवाज़ सुने कौन देता है ये जवाब ये मासूम देता है इमाम देता है बस अंदाज़ा ये हो रहा है कि मरता नहीं है मौत उसके इलमायल नहीं हो सकती जितने बड़ा से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो एक दफ़ा अगर फ़ौत हो गया तो उसका सारा कुछ ख़त्म लेकिन इमाम क्या होता है इमाम वही होता है कि हती कि ये कोई चीज़ जो है उसके इलम में रुकावट नहीं बन सकती तक शेख मुफीद रह जब उनको कोई मसला पेश आता था वो उस मसले को लिख देता था जरिए हजरत आमिर में इस मसले को पेश कर दिया जाता था और सुबह उसको जवाब मिल जाता था जवाब मिल जाता था कि ये जो है इसका जवाब है मुर्दा जवाब दे सकता है मुर्दा जवाब दे सकता है कोई जवाब नहीं दे सकता मुर्दा कभी जवाब गु नहीं होता कभी भी मुर्दा जवाबगु नहीं होता मुर्दा जवाबगु नहीं होता ये सब किससे कहानी गाड़े वाली वो चीज़ें हैं मुर्दा जवाब नहीं देता ये कि उसकी रूह जो है वो कहीं ख्वाब में आपसे मुलाकात हो जाए कुछ कह दे। और रूह और चीज़ है लेकिन जिसम जो है वो मुर्दा ही रहेगा तो ये कौन लिखने वाला है ज़ाहिर लिखने के लिए हाथ की भी ज़रूरत होगी बहुत सारी इसमें बहस है तो इमाम जो है वो कभी उसके ऊपर वो मौत जो है वो तारी नहीं होती जो जैसे दूसरे लोगों के ऊपर तारी होती है मौत उस तरह इमाम के ऊपर मौत तारी नहीं होती अगर बज़ाहरा शहीद भी हो गया तो फिर भी उसका इलम जो है वो जायल नहीं होता है इलम अपनी जगह पर कायम है लेकिन अगर कोई दूसरा मर जाए तो उसका इलम भी उधर ही ख़त्म सारा कुछ ख़त्म वो कुछ नहीं रहता ख़त्म हो गया उसका इंसान के ऊपर गनूदगी आ जाए इंसान के ऊपर ख्वाब आ जाए उसका कुछ नहीं रहता गाफिल हो जाए बहुत मुश्किल है इंसान निसीान का शिकार हो जाए बसात बहुत बड़ा आलम होता है निशान का शिकार हो जाए सब कुछ निकल जाता है उसका इलम भी निकल जाता है सारा कुछ ख़त्म हाफजा कमज़ोर बिल्कुल हमने बहुत सारे हमने भी देखे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे एक उस्ताद थे वो फरमा रहे थे कि हमने एक शख्स को देखा था कि जो बहुत बड़े आलम थे बहुत बड़े आलम थे और कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे निसीान का शिकार हो गए कि एक वो फारसी का एक शेर पढ़ा करते थे कहते इस शेर इन इस शेर के अलावा जहन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हम और दूसरी जगह पर भी ऐसा था कि एक शख्स था वो आलिम तो बहुत बड़ा आलिम था अचानक नमाज के दरमियान उसको सूर्य आहमद भूल गया और ऐसा भूल गया कि मकम्ल भूल गया मकम्मल भूल गया उसका ख़त्म सिलसिला ख़त्म सूर्य आलहमद भी भूल गया सूर्य आलहमद भी भूल गया हाफजा ही उसका डाउन हो गया और फिर अपनी सारी ज़िंदगी वो सही तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ सकता था तो उसकी जो है ये इंसान की ज़ाफ है खोले कल इंसान वइफ़ा इंसान ज़यीफ है इमाम जो है वो फ़र्क इमाम का इलम ऐसे नहीं होता जैसे दूसरे लोगों का इलम होता है प्रोग्राम का हमारा वक्त तकरीब इनतहा पर है हमारे हक में भी दुआ कीजिए और यकीन आप तमाम ममिन की तरफ से हज़ यहाँ पर बैन अलहराम में दुआ गो है हजरत खुदा के जहूर के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह मजल लेवली कल फ़रज